बुधवार को फाजिल्का प्रशासन ने बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए बने राहत शिविरों को खाली करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद बॉर्डर एरिया के लोग अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। फाजिल्का में राहत शिविरों में रह रहे लोगों का कहना है कि घर वापस लौटने के निर्देश दिए जाने के समय कोई भी नेता और अधिकारी कैंप में नहीं पहुंचा। ट्रॉलियों में सामान लादकर ले जा रहे ये लोग राहत शिविरों से निकलकर अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पहले तनाव का माहौल बताते हुए प्रशासन ने इन्हें गांव खाली करके राहत शिविरों में आने को कहा, जिसके बाद अभी हालात तो नहीं बदले लेकिन उन्हें जबरदस्ती राहत शिविर खाली करके घर जाने के आदेश दे दिए गए और अब ये लोग अपने परिवारों के साथ अपने घर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब तक हर रोज उनसे मिलने कई अधिकारी और नेता पहुंच रहे थे, लेकिन शिविर खाली करने के आदेश दिए तो ना तो कोई नेता पहुंचा और ना ही कोई अधिकारी। निकलना नहीं चाहते तो सानू धक्के ना कहते तो सीधा निकलो जाओ आपदा हूं असि दसो बिजवाना कुड़िया बच्चे लग कि जाइए सानू प्रॉब्लम अजे डर है जा नहीं सकते करे तो सानू और जगह जा बना के जा उठते नहीं इतने का हूँ फिर अजे जंग खत्म हो चुका है कोई खत्म नहीं होया साढ़े मने उदे अजे भी छिको तानी है ना जी इन्हें कहा भी जाओ सानू खाली करो। वहीं फाजिल्का की डीसी ने लोगों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डीसी के मुताबिक शिविर छोड़ने का फैसला लोग खुद ले रहे हैं, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया।